Good morning, class 12. And today I will start your next chapter of the macroeconomics, and it is chapter 2. That is the basic concepts of macroeconomics. यानी मैक्रोइकोनॉमिक्स के जो आपके आगे नेशनल इनकम में बहुत काम आएंगे न्यूमेरिकल्स में, कुछ कंसेप्ट हैं जो हमको पढ़ने हैं, समझने हैं, उसके बारे में बात करनी है कि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है जो आपके लिए फर्स्ट वन हेडिंग है, दैट इज अ डोमेस्टिक टैरिफ. डोमेस्टिक टैरिफ, ध्यान समझिएगा, बहुत चीजों को थोड़ा सा कहते हैं ना कि ये देखिएगा कि आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. एक्सप्लेनेशन पार्ट ज्यादा है समझने के लिए. सो नाउ डोमेस्टिक टैरिफ, देखिए डोमेस्टिक वर्ड्स आपको अच्छी समझ में आ रही होगी, क्या चीज है कि जो आपके होम कंट्री से रिलेट करता हो, ये चीज आपको क्लियर आ रही होगी समझ में. और ये एक बात कही जाती है, इट इज लाइक अ पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ कंट्री, यानी पॉलिटिकल फॉर्म की बात की गई है किसी भी कंट्री में, जिसका मकसद होता है कि उस कंट्री को प्रॉफिट होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि इट मींस अगर आप किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में डील करते हैं, ट्रेड में मतलब ये है दूसरी कंट्री से डील करना, आप हमारे इंडिया में हैं और ये हमारा, समझिए दैट इज इंडिया एंड अमेरिका. और अब यहां से हमारे जो एयरवेज हैं, जैसे कि इंडिया का प्लेन यहां पर अमेरिका जाता है, फिर अमेरिका से वापस आता है, या अमेरिका में जा रहा है, इट मींस इसका प्रॉफिट किसको हो रहा है, इसका प्रॉफिट इंडिया को, इंडिया को रिसीव हो रहे हैं इसका प्रॉफिट. इट मींस ये क्या हुआ, इट मींस जो एयरवे है, इंडियन एयरवे है, दैट इज आर, ये आपके लिए डोमेस्टिक टेरिटरी है. इंडियन एयरवेज क्या हुआ आपके लिए, एक डोमेस्टिक टेरिटरी है जिसका एक पर्पस है, एंड दैट इज ओनली काउंटिंग ऑफ अ नेशनल इनकम, जो आपको राष्ट्रीय आय जिसको हिंदी में कहते हैं नेशनल इनकम, उसको काउंटेबल के लिए ये बात कही जाती है. ठीक है, यानी कि अब सेम अगर ये कहीं पर ये इंडिया अमेरिका की बात है, सेम थिंग है अगर ये आपके सामने ये पाकिस्तान है, ठीक है, और ये बांग्लादेश है, ये दो कंट्री है, सेम थिंग. अगर पाकिस्तान से बांग्लादेश में कोई भी कंपनी जाकर बिजनेस करती है, या बांग्लादेश की किसी भी कंपनी को पाकिस्तान की कोई कंपनी ओन्ड कर लेती है, खरीद लेती है, तो इट मींस क्या हुआ, वो किसकी टेरिटरी है, वो पाकिस्तान की टेरिटरी. ठीक है, यानी कि दूसरी कंट्री में काम करने से या सर्विस देने से जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है, जो रिसिप्ट आपको, जो इनकम आपको मिल रही है, दैट इज कॉल्ड अ डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है, जैसे कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट हैं, फिशिंग वेसल्स हैं, एंड ऑयल्स हैं. ठीक है, जैसे कि देखिए एक और एग्जांपल है आपके पास में, एंड दैट इज अगर इंडियन फिशरमैन, जो इंडियन फिशरमैन हैं, वे इंडियन ओशन में काम करते हैं, ठीक है, हिंद महासागर में काम करते हैं, तो वहां पर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर इंडियन ओशन में और भी बहुत सारी कंट्रीज डील करती हैं, तो वो वहां पर फॉर द इंडिया वर्क करते हैं, इंडिया को उसका प्रॉफिट मिलता है, उसे रिसिप्ट मिलते हैं, इट मींस दैट इज अ इंडियन टेरिटरी. वो क्या है, वो इंडियन टेरिटरी. टेरिटरी का मतलब ही है फायदा, यानी कि दूसरी कंट्री से आप लिंकअप हैं, लेकिन उसे फायदा किसको मिलता है, जिस जगह से आप सिटीजन हैं या आपको लिंक करते हैं, वहां पे फायदा मिलना. इंडिया से अमेरिका फ्लाइट जाती है इंडियन एयरवे की, जिसका फायदा किसको मिलता है, इंडिया को पैसा मिलता है सारा, भले ही अमेरिका के लोग उसमें सफर कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हो, इट मींस दैट इज अ टेरिटरी ऑफ इंडिया. सेम थिंग अमेरिका की अगर फ्लाइट आती है तो किसको प्रॉफिट मिलता है, उसमें इंडियंस आ रहे हो, अमेरिका को मिलता है, इट मींस दैट इज टेरिटरी ऑफ अमेरिका. देखिए एक बहुत बड़ी चीज ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें जस्ट लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि UNO, WHO, ये जितने भी उनके ऑफिसेस हैं, जैसे कि इंडिया में भी ऑफिस है न्यू दिल्ली में, जहाँ पे अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जो आपके स्वास्थ्य हेल्थ मिनिस्टर हैं, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको बनाया गया है, तो वहां पर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो WHO रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिया की टेरिटरी नहीं है. वो किसके लिए काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं WHO के लिए. ठीक है, ये चीजें हैं यहाँ पर. और साथ ही साथ में
अगर कोई अपनी कंपनी का ऑफिस खोले, कोई भी अपनी कंपनी का अगर ऑफिस खोलता है, जैसे कि अभी मोबाइल बंद हुए थे, इसके ओप्पो के मोबाइल बंद हुए एंड ओप्पो इज अ चाइनीज कंपनी, लेकिन वहां पे इसका विरोध हुआ, तो ये इंडिया में भी काम कर रहे हैं, इंडिया के लोग भी वहां पे वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन सारा जो प्रॉफिट होता है किसको मिलता है, चाइना को मिलता है। इट मीन्स दैट इज अ टेरिटरी ऑफ चाइना, ये किसी टेरिटरी है, ये चाइना की टेरिटरी, ठीक है, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। इट मीन्स some factors is linked up with the other countries, but get the profit to the domestic, यानी कि जो profit है वो domestic country को मिलता है, that is called a domestic territory. Next है next heading is a normal residence. और normal residence क्या होता है, जो जिस country में रहता है, ये तो बहुत ही normal है, आपको clear हो गया बिल्कुल, normal रेजिडेंस, नॉर्मल रेजिडेंस, देखिए नॉर्मल आपका रेजिडेंशियल एड्रेस पूछा था, वो घर कहां पर है, यानी यहां पर है। अगर आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में आप खा पी रहे होंगे, तो इसका फायदा किसको मिलता है, इंडियन इकोनॉमी को मिलता है। इट मीन्स एट द प्लेस वेयर यू आर लिविंग एंड योर डीलिंग एंड योर ट्रांजेक्शन इज प्रोड्यूस द इम्पैक्ट ऑन दैट कंट्री इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंस, यानी कि जिस कंट्री में आप रह रहे होते हैं, जहां से आप इनकम ले रहे होते हैं या इनकम लोग जनरेट कर रहे होते हैं, जो उस कंट्री की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंस, उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल रेजिडेंस। इट मींस दैट इज एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रिसाइड, बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंस, जहां पर मतलब है जहां पर आप रहते हैं, और अगर किसी को आप उस कंट्री की इकोनॉमी को इंपैक्ट करते हैं जहां पर नॉर्मल आपका लिविंग है और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री के लिए है, उसको हम कहते हैं क्या, दैट इज अ नॉर्मल रेजिडेंस। नेक्स्ट इज दैट इज अ, इसी के अंदर जो आपके पास आएगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ हेडिंग्स आपकी बुक्स में है, ठीक है, जैसे कुछ बॉर्डर वर्कर्स हैं, यानी कि जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं उनके बारे में बात की गई है। अंदर थिंग इज अब आपके पास में जो है दैट इज सिटीजनशिप, ये आपको मतलब पता है सिटीजनशिप, यानी कि उस देश की नागरिकता कैसे मिलती है। इंडिया के अंदर बाय बर्थ ये एक्सेप्टेबल है, और द पर्सन हु इज लिविंग मोर देन अबाउट 5 years इन इंडिया कंटिन्यूअसली, दैट पर्सन इज एप्लीकेबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप बाय अप्लाइंग विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंडियन रेगुलेशन, यानी भारतीय कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 5 साल से ज्यादा यहाँ रुकता है कंटिन्यूस फॉर्म में और वो यहाँ की नागरिकता अगर लेना चाहता है तो वो अप्लाई करेगा, लेकिन इंडियन के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से। और दूसरा, व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न इन इंडिया ही एक्वायर्स ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इट मीन्स कि अगर कोई यहाँ पर पैदा होता है तो उसे ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिलती है। अभी आपको पता है काफी पीछे सिटीजनशिप के ऊपर एक मिथ मार्केट में हुआ था, पता होगा आपको, दैट इज सीए कुछ समथिंग एल्स, वो सिटीजनशिप के ऊपर ही था, ठीक है, जिसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम थी, जो भी है, ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए, अगर जो भी इंडिया के अंदर बर्थ लेता है जब होता है तो उसको तो ऑटोमेटिक मिलता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है और वो लीगल हो जाता है, ठीक है। या फिर अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप एंड इंडिया लॉ अलाउ हिम टू बिकम इंडियन सिटीजन, यानी कोई अगर भारत से बाहर पैदा हुआ है, वही वाली बात, और यहां आकर एज पर इंडियन लॉ अगर वो यहां पर 5 साल से अधिक रहता है तो इट मींस उसको यहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी, ऐसा कहा गया, ठीक है। एक स्पेशल एक्सेप्शन भी है, वो मैरिज के ऊपर है, कि अगर आप यहाँ पे किसी लड़की शादी कर लेते हैं या फिर किसी लड़के से, इट मीन्स आप मैरिज करते हैं किसी से जिसकी इंडियन सिटीजनशिप हो, either girl or boy, तो वो भी आपको वहां पर citizenship मिल जाती है, clear? चलिए next चलते हैं, that is a factor income and transfer income. एक आपके सामने next topic है, that is a factor income और transfer income. अभी हमने 2 sector के income flow, 3 sector income flow और 4 sector income flow में हमने चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, हमने देखा था क्या था, हमारे पास यहाँ हाउसहोल्ड था, ये हमारे पास फर्म थी, यहाँ गवर्नमेंट थी और यहाँ पर हमारा फॉरेन सेक्टर, ये था हमारे पास में। अब गवर्नमेंट हमें क्या कर रही थी, ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, फैक्टर इनकम, यानी कि
ये इसको फैक्टर पेमेंट भी कर रही थी, मैंने आपको बताया था कर रही थी, और ट्रांसफर पेमेंट भी इसको हो रहा था। तो यही पूछा गया है कि फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर इनकम इसके ऊपर इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए नॉर्मल सी बात है, फैक्टर पेमेंट मतलब जब प्रोडक्ट फैक्ट्री से बनाए जो प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं लैंड लेबर्स जिसपे होते हैं उसके थ्रू जो आपको पेमेंट मिलता है, चाहे वो रेंट हो चाहे वो वेजेस हो, इस फॉर्म में सैलरी हो, इस फॉर्म में अगर मिलता है दैट इज इसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। लेकिन अगर आपको इज इन फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, जैसे आप पढ़ते हैं तो स्कॉलरशिप का प्रावधान है ठीक है गवर्नमेंट में, तो इस तरह के जो मिलते हैं सब्सिडीज मिलना, छूट मिलना, ये सब होते हैं ट्रांसफर इनकम, यानी कि जो आपको ट्रांसफर किए जाते हैं ठीक है। इट मींस रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न, यानी आपको वो मिल रहा है जब रिटर्न में आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ऑन द अदर हैंड फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी जब प्रोडक्शन प्रोसेस चलता है उसमें आप अपनी सर्विस देते हैं तो रिटर्न में आपको जो पेमेंट मिलती है उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। और जब ट्रांसफर में होता है जब रिटर्न आप कुछ नहीं दे रहे होते हैं आपको एक रिलैक्सेशन फॉर्म में जो पैसा मिलता है उसको क्या कहते हैं ट्रांसफर इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं ट्रांसफर इनकम। अब देखें अगर इसकी डिफरेंस की बात की जाए कि डिफरेंस क्या क्या है, तीन डिफरेंस यहीं से निकल आएंगे। अगर मैं डिफरेंस पूछूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, देखिए ध्यान दीजिएगा यहीं से डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। फैक्टर पेमेंट है यानी कि आप प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक डिफरेंस तो यही हो जाएगा फर्स्ट वन जो इसकी डेफिनेशन लिखनी है, लिखना है इट मींस फैक्टर पेमेंट इज अ पेमेंट दैट यू रिसीव्ड बाय गिविंग योर रोल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड ट्रांसफर इनकम इज द इनकम दैट इज यू आर रिसीविंग विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन और गिविंग द सर्विस, जहां पर आप कुछ भी नहीं देते वहां मिलता है, इट मींस दैट इज अ ट्रांसफर इनकम फैक्टर, जहां पर आप अपना रोल प्ले करते हैं और आप वहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस में आप उसे देते हैं बदले में आपको मिलता है उसको बोलते हैं क्या फैक्टर इनकम। जैसे कि ये क्या हो गया मजदूरी वेजेस, ये आपने रेंट, और ये क्या हो गया आपकी स्कॉलरशिप, क्या होगी स्कॉलरशिप या फिर सब्सिडीज छूट मिलना जो गवर्नमेंट देती है। अब एक बात ध्यान दीजिए जो फैक्टर पेमेंट होता है ये जब प्रोडक्शन प्रोसेस में आ रहा है तो यानी जीडीपी में हेल्पफुल है आपके लिए, यानी जीडीपी में काउंट होता है। जब जीडीपी में काउंट होता है तो सेकंड पॉइंट क्या बन जाएगा, सेकंड पॉइंट बनता है कि ये नेशनल इनकम में काउंट होगा और ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने इसका कोई भी इंपैक्ट जो ट्रांसफर इनकम है इसका कोई भी इंपैक्ट आपके किस पे नहीं पड़ता, ये इसका कोई भी इंपैक्ट आपके नेशनल इनकम पे नहीं पड़ता क्योंकि प्रोडक्शन पे इस पे कोई भी फर्क नहीं है, आपको मिल रही है तो भी ठीक है नहीं मिल रही है तो भी ठीक है, लेकिन फैक्टर पेमेंट जो होती है उसका इंपैक्ट पड़ता है। अनदर अगर थर्ड वन पे जाए देखिए ये आपको पर मंथ मिलता है भाई, वेजेस आपको रोज मिलती है, आप रोज काम करते हैं रोज पैसा मिलता है, आप महीने में काम करते हैं आपको महीने का पैसा मिलता है, इट मींस आपको अर्निंग होती है। तो ये आपको कैसा हो जाएगा, दैट इज नॉट, ये कैसा कांसेप्ट है, ये कैसा कांसेप्ट है अर्निंग कांसेप्ट है, जिसमें आप क्या करते हैं जिसमें आप पैसे को अर्न करते हैं पैसे को कमाते हैं, जिसमें आप अर्निंग मतलब कुछ आपने दिया तब आपको मिला ठीक है। और ये क्या है सिर्फ, ये सिर्फ रिसीविंग कंसेप्ट है, रिसीविंग मतलब दिया तो कुछ भी नहीं और मिल रहा है, इट मींस रिसीव, ये सिर्फ रिसीविंग हो रहा है। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है बच्चे कुछ नहीं करते लेकिन फॉर द ओनली मोटिवेटिंग ऑफ द एजुकेशन टू द पुअर पीपल और यू ने नीडी पीपल को जरूरत होती है उनके लिए यहां बात की गई है ठीक है। अनदर है आप एग्जाम्पल्स अलग अलग दे सकते हैं वो आपकी मर्जी है ठीक है, आप फोर्थ पॉइंट में इसके एग्जाम्पल दे दीजिए या फिर यहाँ पर लैंड लेबर्स जो भी इसके हैं आप वो लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपके दोनों क्लियर होंगे फैक्टर इनकम में और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस है। ध्यान रखिएगा जो कुछ करके कमाया जाए जॉब करके कमाया जाता है दैट इज अ फैक्टर पेमेंट, और जो आपको सब्सिडीज मिलती हैं जो छूट मिलती हैं दैट इज अ ट्रांसफर इनकम।
अब बात करते हैं गुड्स के बारे में। फिनिश गुड्स के बारे में हमने बात कर ली, अब बात करते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स देखते हैं, फाइनल गुड को समझ लेते हैं। देखिए यहां वर्ड लिखा हुआ है फाइनल, इट मींस क्या है, ये पहली बात है सेल पॉइंट पर है भाई, जो फाइनल तो सेलिंग किया जाएगा ना ऐसी, यानी कि ये यूज करने के लिए भी तैयार है, आप इसे यूज कर सकते हैं और फाइनली ये सेल करने के लिए रेडी है। जो गुड्स सेल करने के लिए एग्जैक्टली रेडी होते हैं, जिन्हें यूज करने के लिए रेडी होते हैं, उनको कहा जाता है क्या चीज, फाइनल गुड्स। इट मींस अब यूज करेंगे आप, इसका मतलब क्या है, आप कंजम्पशन करेंगे, कंजम्पशन भी हो सकता है, कंजम्पशन भी हो सकता है यहां पर, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पर, दैट इज अ सेल पॉइंट पे क्यों है, इट मींस क्या होगा, ये सेल करने के लिए रेडी है, सेल करने के लिए, इट मींस दोस गुड्स दैट्स आर आइदर रेडी टू सेल और यूज, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। यानी ऐसे गुड्स जो यूज करने के लिए और सेल करने के लिए एग्जैक्टली रेडी है, उनको कहा जाता है फाइनल गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट गुड्स, एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेंगे अभी, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स देखिए इसका मतलब ही होता है लिंकअप करना, जोड़ने वाला, ठीक है। जैसे कि अगर आप इनसे, आपने देखा होगा लकड़ियां मिलती हैं, ठीक है, अगर वुड्स मिलती है आर्डर के पास से, लोग लकड़ी खरीदते हैं, उस वुड्स के पास से वो कहां जाती है, कारपेंटर के पास में जाएगा, वो उस पे काम करेगा, फिर वो चेयर बनाएगा। यानी यहां तो खरीदता है कैसे, यहां पे क्या होता है, यहां पे सेल होती है उसकी, ठीक है, और यहां पर क्या होता है, नाउ दे रीसेल, अब रीसेल करने को तैयार है यहां, ठीक है। इट मींस जो फर्दर रीसेल किए जाए, अब ये क्या, इसे यहां से खरीदा, अब इसको यहां से चेयर बनाकर ये रीसेल करेगा। इट मींस इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो क्या होते हैं, दैट आर रेडी टू रीसेल, नॉट एग्जैक्टली सेलिंग, इट इज फॉर द रीसेल, जो क्या क्या किए जाए, रीसेल किए जाए। इट मींस दोस गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, किसमें, इन द सेम ईयर, यानी काउंटिंग पीरियड वाली बात है, ठीक है। इट मींस क्या हो जाएगा, जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज किए जाए, एक तो हमारे पास में क्या हो गया, रीसेल का पॉइंट हो गया, ठीक है, आइदर रीसेल और फर्दर यूज फॉर प्रोडक्शन। अब लकड़ी के खिलौने आते हैं, कोई फर्म अगर लकड़ियां खरीदती है तो एक जगह सेल कर रही है ना, वहां पे सेल कर लिया उसने, अब उसको वो डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे, अभी यूज करने के लिए नहीं है वो, किसके लिए, फाइनल कंज्यूमर्स के लिए अभी रेडी नहीं है, अब वो क्या ही करेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेंगे, तब जाकर वो क्या बनेंगे, उनके टॉयज बनाएंगे, और जब टॉयज बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, फिर वो फाइनल गुड्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, फाइनल गुड्स, जब उसके टॉयज बन जाएंगे, नाउ दे आर रेडी टू यूज और फॉर द कंज्यूम। पर इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, दैट इज गुड्स ऑनली, इट मींस यूज आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। जैसे कि दूध लेना, अगर आप किसी भी मिल्क मैन से अगर आप मिल्क खरीदते हैं, ठीक है, एक तो आपने घर में खरीदते हैं, फिर आप उसे कंज्यूम करते हैं, इट मींस इट इज फाइनल गुड फॉर यू, वो आपके लिए फाइनल गुड है। लेकिन अगर एक शॉपकीपर यानी कि हलवाई अगर दूध खरीदता है तो उसे दूध नहीं बेचता, वो सेल तो लेकर, सेल होती है उस दूध की डेयरी से जाके। देखिए यहां फर्क देखिएगा, एक मिल्क है, ये मिल्क है, ये हाउस होल्ड में आता है, हम सीधे यूज कर देते हैं, दैट इज फाइनल गुड फॉर अस, यहाँ पे हमारे क्या है, फाइनल गुड्स है। अगर यही गुड फॉर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज किया जाए, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए अगर ये यूज किया जाए आगे चलकर, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है यहाँ पर इंटरमीडिएट। क्यों बन जाता है, क्योंकि इसे कंज्यूम नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसे ये इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहा है फॉर फर्दर यूज, आगे
बेचने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए ये इसे आगे यूज करेगा. सो इट इज कॉल्ड दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स. अब एक एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, मिल्क है एक के लिए वो क्या है फाइनल गुड है और दूसरे के लिए क्या है वो इंटरमीडिएट गुड्स है. इसीलिए यहां पर कहा गया है कि क्या चीज दैट इज द फाइनल गुड्स आर द गुड्स दैट इज रेडी टू सेल और फॉर द कंजम्पशन और द यूज. इंटरमीडिएट गुड्स आर द गुड दैट इज यूज आइदर फॉर एग्जैक्टली रीसेल और यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है, इसे इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है. अब आपको एक होम टास्क अपना करना है, दैट इज यू हैव टू राइट डाउन, आपको डिफरेंस लिखना है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इन दोनों में डिफरेंस आपको अपनी नोट कॉपी में लिखना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसेप्ट डिफरेंस समझ कर आप इसे घर से करिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है. ठीक है, सो गाइज आगे कल पढ़ते हैं. ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, वीडियो समझिएगा, फिर और कंसेप्ट पे चलेंगे कल आगे, जहाँ पे हम ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स और गुड्स के बारे में बात करेंगे. ये आपके छोटे छोटे कंसेप्ट चलते हैं जहाँ आपको क्लियर हो जाए. ठीक है, फिर हमें आगे हेल्प मिलेगी चैप्टर्स को समझने में. सो गाइज बी टेक केयर एंड गो थ्रू आउट द वीडियो एंड वॉच अगेन एंड अगेन एंड प्लीज राइट ऑन द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. दोनों में आपको डिफरेंस लिखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए और हमेशा आता है. ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पूछा जाता है. इसीलिए आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस अपनी नोट कॉपी में लिखना है. सो गाइस वी टेक केयर एंड राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल की हेल्प से आपको लिखना है. क्लियर, थैंक यू, सी यू सून.